बिग बॉस ओटीटी 2 की फेमस कंटेस्टेंट मनीषा रानी को शो में काफी पसंद किया गया, लेकिन जब से मनीषा रानी बिग बॉस से बाहर आई हैं, तब से उनका और टोनी का नाम काफी जोड़ा जा रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले भी दोनों साथ में नजर आए थे। बिग बॉस शो के हाउस में मनीषा की दोस्ती दोनों टॉप 2 कंटेस्टेंट अभिषेक मलन और एल्विश यादव के साथ थी। हाल ही में मनीषा रानी से पूछा गया कि क्या वह एल्विश की जीत से खुश हैं। इसके अलावा उनसे टोनी कक्कड़ के साथ आ रही शादी की खबरों पर भी रिएक्शन मांगा। मनीषा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं कह सकते कि अभिषेक के साथ कोई भेदभाव हुआ है। एल्विश जीता है तो एल्विश को लोग बाहर बहुत पसंद करते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि अभिषेक बहुत अच्छा खेला और वो पहले से विनर है, क्योंकि बहुत लोगों का दिल जीता है उसने। लेकिन एल्विश भी बहुत अच्छा था, तो अगर वो जीता है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस ने कुछ किया है। बाहर एल्विश की फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है, फिर वो जीत गया तो इसमें क्या गलत है। इसके बाद जब मनीषा से टोनी के साथ रिलेशनशिप की खबरों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, वो सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हैं, अभी उनसे मिले हुए ज्यादा समय ही नहीं हुआ। 2-3 बार मिले हैं तो 2-3 बार मिलकर ही शादी का कैसे सोचे। फिलहाल अच्छे दोस्त हैं और आगे क्या होगा सब पता चल जाएगा। दोस्तों, क्या आप टोनी कक्कड़ और मनीषा रानी को एक साथ रिलेशनशिप में देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।